तो नमस्कार, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल सूर्य एजुकेशन हेल्पलिस्ट में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति के बारे में। तो बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर वार्षिक परीक्षा 2020 में जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको बता दें कि उनका जो भी कैंडिडेट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, जो पिछला तिथि जब रजिस्ट्रेशन हुआ था, अगर नहीं करवा पाए फिर डेट जारी किया गया और फिर से आप लोगों का डेट बढ़ाया गया है। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट नहीं किए हैं अभी तक रजिस्ट्रेशन, तो आप लोग बता दें कि आप लोग का डेट बढ़ाया गया है। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोग को जो डेट बढ़ाया गया है, तो अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसी के बारे में जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने वाले हैं। उससे पहले, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए, और साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ पर आप लोग को अपडेटेड न्यूज सुबह में ही प्रोवाइड कर दिया जाता है, जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं, ये बिहार विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया नोटिफिकेशन है। यहां पर जैसा कि देख सकते हैं, 11वीं कक्षा के ऐसे विधिवत नामांकित विद्यार्थी जिनका रजिस्ट्रेशन इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने के लिए किसी कारणवश नहीं हो सका था, उन्हें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उक्त परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया है। यानी कि आप लोगों को फिर से एक बार अवसर प्रदान किया गया है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं अभी तक, तो रजिस्ट्रेशन करवा लें। और आप लोग बता दें कि अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे तो आप लोग का जो फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप लोग परीक्षा का जो फॉर्म है इंटरमीडिएट का, आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। इसलिए अभी तक जो भी कैंडिडेट नहीं रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन अब उनके शिक्षण संस्थान द्वारा दिनांक 25/7/2021 तक किया जाएगा। यानी आप लोगों को 25/7/2021 तक आप लोगों का डेट दिया गया है, आप लोगों का जाकर शिक्षण संस्थान में आप लोगों को वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा आप लोगों को वहाँ दे देना है। और आप लोगों को एक और बात बता दें कि आप लोग को कुछ दिन पहले डेट दिया गया था, उसमें आप लोगों को जो भी कैंडिडेट नहीं करवाए थे अभी जा करवा लीजिए। और साथ ही आप लोगों को अगर इस टाइम शिक्षण संस्थान के जो भी प्रधानाचार्य आपके हैं, अगर वो लेट फाइन मांगते तो आप लोगों को देना नहीं दीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों का जो डेट है उसे बढ़ाया गया है। इसमें कोई भी बिहार बोर्ड के द्वारा नहीं कहा गया है कि आप लोगों को लेट फाइन लिया जाएगा। यानी कि आप लोगों को अगर लेट फाइन नाम देकर आप लोग पैसा ज़्यादा वसूलते हैं जो प्रधानाचार्य है, तो आप लोग शिकायत कर सकते हैं। नीचे आप लोगों को यहाँ पर आप लोग को एक नंबर देखिए शो हो रहा है, इस नंबर पर आप लोग बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नंबर मिल जाएगा, आप लोग जाकर शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ दिया गया कि रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित वेबसाइट, आप लोग बता दें कि ये वेबसाइट आप लोगों को किसी भी काम का नहीं है, जब ये आप लोगों को शिक्षण संस्थान का जो प्रधानाचार्य है वही लॉगिन कर सकते हैं और वही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा करना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। उसके बाद फिर यहीं बताएं नियमित कोटि के लिए आप लोगों का जो एडमिशन फीस है वो कितना लगने वाला है। अगर नियमित कोटि के विद्यार्थी की बात करें तो नियमित कोटि के विद्यार्थियों के शुल्क 470 रुपये लेंगे, और वहीं बात करें स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों का शुल्क 870 रुपये निर्धारित की गई है। उसके बाद फिर दिया गया है नीचे कि शिक्षण संस्थान के प्रधान ने यह सुनिश्चित करेंगे कि OFSS के माध्यम से 2022 में के लिए 11वीं कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों का ही रजिस्ट्रेशन इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए किया जाए। यानी कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो उन विद्यार्थियों के लिए किया जाए जिनका नामांकन स्कूल में हुआ है। उसके बाद यहाँ दिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के क्रम में किसी भी समस्या के लिए समिति के हेल्पलाइन नंबर इतना पर संपर्क किया जा सकता है, या फिर आप लोग शिकायत भी कर सकते हैं कि आप लोगों का से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। इससे रिलेटेड जो भी शिकायत है आप लोग कर सकते हैं, और आप लोगों को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मेल आईडी भी मिल जाएगा जहां पर आप लोग जाकर शिकायत कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, और साथ ही आप लोगों का जो डेट बढ़ाया गया तो आप लोग कमेंट कीजिए, जो भी कैंडिडेट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप लोग जाकर शिक्षण संस्थान में अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जाकर आप लोग डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के वीडियो देखने के लिए। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।